बहुत अच्छा मंत्रिमंडल कांग्रेस सरकार ने बनाया है और मुझे लगता है कि भावी दृष्टि से लगभग हर संभाग को मिला है और ये पहला विस्तार है। संभवतः कुछ समय के बाद एक और विस्तार भी हो सकता है और अनेक पदों पर बहुत से लोगों को काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मेरी दृष्टि से जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे उन सभी वादों को और जन घोषणा पत्र को कारगर तरीके से धरातल पर क्रियान्वयन करने का जो दायित्व है वो ये मंत्रिपरिषद पूरी तरह से निभाएगा और बहुत जल्द विभागों का बंटवारा होगा। सभी मंत्रीगण अपने अपने दफ्तर जा चुके हैं और विभागों के बंटवारे के बाद हम लोग तुरंत प्रभाव से अपना काम करेंगे। विकास के जो चेयरमैन उन्होंने डिमांड की उनका भी माफ किया जाए क्योंकि उनको वो नहीं है अभी वो देर लाने में। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया उसमें खरा उतरे हैं। राहुल गांधी जी ने समय मांगा था 10 दिन का, लेकिन 2 दिन के अंदर तीनों राज्यों ने बहुत बड़े अमाउंट्स और ये सारा जो तीनों राज्यों में सरकार बीजेपी की थी हमारे यहाँ 18,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट माफी की घोषणा कर चुके हैं। तो क्या दिक्कत थी बीजेपी की सरकार? अगर वही संसाधन है, वही राजकोष है, वही राज्य है तो बीजेपी की सरकार ने जो काम नहीं कर पाई थी तीनों राज्यों में उसको राहुल जी के वादे के बाद हमने पूरा किया है। और हमारी कोशिश है कि किसान वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी स्थिति में हो उसकी हम लोग मदद करना चाहते हैं। ऋण माफी और लोन वेवर के बावजूद जो भी और काम है बाकी उन सबको हम करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऋण माफी के दायरे के अंदर लेकर हम लोग काम किया है। पार्टी ने कई लोगों को मौका दिया है, सभी लोगों को एक बार में मंत्री बनाना संभव नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने पार्टी के लिए त्याग और समर्पण भाव से काम किया है पार्टी को जीत दिलाई है उन पर निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में मौका है। सर संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं? सब काम होंगे, कल तो शपथ हुई है पहली बार, धीरे धीरे जब विधानसभा का सत्र आएगा बहुत सारी नियुक्तियाँ होनी बाकी हैं, सब लोगों को सही प्लेटफॉर्म देकर उनकी प्रतिभाओं को हम लोग काम करेंगे। सर आपकी कार्यकारी में 26 पदाधिकारी बन गए, 6 निष्कासित हो गए, तो लोकसभा से पहले मेहनती लोगों को एडजस्ट किया? लगातार बदलाव होते रहते हैं संगठन में, सरकार में दायित्व ये है कि सरकार संगठन के साथ एक मिलकर हम जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खड़ा होते हैं और कांग्रेस पार्टी का संगठन अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोग बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं लेकिन संगठन को मजबूत कर आने वाले लोकसभा चुनाव में हम आगे उतरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कम से कम 22 से 23 सीटों पर राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। प्रदेश की सरकार जब बनती है तो लोकसभा के चुनाव में मोर्चा उसी पार्टी को जो पार्टी की सरकार बनी उसको बहुमत मिलता है और मुझे लगता है इस बार बिल्कुल वैसे ही होगा।